हेलो एवरीवन, दिस इज सुमन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो टेंसेस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे सिंपल पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस का मतलब हुआ कि कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही ख़त्म हो चुका है, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। या फिर अगर हम शेयर कर रहे हैं कोई स्टोरी या फिर हम बता रहे हैं अपना एक्सपीरियंस, तो हम हमेशा यूज़ करेंगे सिंपल पास्ट टेंस की। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है बहुत ईजी। सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट और साथ में लग जाता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो बहुत ही इजी तरीके से आप फ्रेम कर सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंस। तो आइए शुरू करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। तो जब भी बात होती है सिंपल पास्ट टेंस की, जैसा मैंने आपको बताया, हम बात करते हैं ऐसे इवेंट की या फिर ऐसे एक्शन की या फिर ऐसी सिचुएशन की जो ऑलरेडी पास्ट में कंप्लीट हो चुकी है। इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और साथ में ऑब्जेक्ट। वर्ब के सेकंड फॉर्म से यहाँ पे मतलब है कि जैसा हमने पहले भी पढ़ा है कि वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म। सेंटेंस से समझते हैं, मैंने कल उसको फ़ोन किया। तो हमें पता चल गया कल से कि ये काम ऑलरेडी हो चुका है। दैट मीन वी आर टॉकिंग अबाउट यस्टरडे। मैंने कल उसको फ़ोन किया, आई कॉल्ड हिम यस्टरडे। मतलब यहाँ पे उसको फ़ोन किया, तो यहाँ पे इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, फोन्ड या फिर आई कॉल्ड, दोनों चीज़ आप बोल सकते हैं। आई कॉल्ड हिम यस्टरडे, मैंने उसे कल फ़ोन किया। तो ये एग्जाम्पल हो गया पास्ट टेंस का, क्योंकि ऑलरेडी काम कंप्लीट हो चुका है। कल हम दोनों बहुत समय बाद साथ बैठे। कभी हम अपने फ्रेंड को बताते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ, तो हम बोलते हैं कल हम बहुत टाइम बाद साथ बैठे। यस्टरडे वी सेट टुगेदर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मैं नवंबर में अपने गांव गई। मतलब वो काम ऑलरेडी पास्ट में हो गया है, नवंबर में कंप्लीट हो गया है। तो बोलेंगे आई विजिटेड माई विलेज इन नवंबर। मैं पिछले हफ्ते दिल्ली होकर आई। आई वेंट टू दिल्ली लास्ट वीक। मैंने एक नई नॉवल पढ़ी और बहुत इंटरेस्टिंग है। I read a new novel which is very interesting. Do you want to read it? इसी तरीके से अगर बोला जाए मैं वहाँ गई थी, मैं यहाँ आई थी, तो हम सिंपल सेंटेंस बना देंगे I went there, क्योंकि go की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो होती है went. I went there, मैं यहाँ आई, I came here, come की सेकेंड फॉर्म होती है came. तो जब भी हम बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस की, तो हम करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, और इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें वर्ब की फॉर्म्स लर्न होनी चाहिए। तो जैसे मैंने पहले भी बताया है, वर्ब्स की फॉर्म्स हमें लर्न ही करनी पड़ती है। तो एक बार हमारी टेंसेस की सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी, तो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे वर्ब पे और कोशिश करेंगे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब लर्न हो जाए। तो ये एग्जाम्पल है सिंपल पास्ट टेंस की, जब हम बात करते हैं बीते हुए कल की, जब हम बात करते हैं बीते हुए एक्शन की। तो अब समझेंगे हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस की, कैसे एफर्मेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम किया जाता है सिंपल पास्ट टेंस के। तो एग्जाम्पल के साथ, आई बॉट अ न्यू हाउस, मैंने एक नया घर खरीदा। नया घर खरीदा मतलब ऑलरेडी मैंने खरीद लिया है, और ये एक्शन जो था पास्ट में ही ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे आई बॉट अ न्यू हाउस। बाय की सेकंड फॉर्म होती है बॉट। आई बॉट अ न्यू हाउस। तरीके से द मेमोरी ब्रॉट गूज बम्स टू माई आर्म। बहुत ही ब्यूटीफुल सेंटेंस है, आप इसको अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। द मेमोरी ब्रॉट गूज बम्स टू माई आर्म। She helped her mother in the kitchen. Simple sentence है। Verb यहाँ पे help है, हमने इसके साथ ed लगा दिया, यानी कि हमने लगा दी verb की second form। तो simple sentence बन गया She helped her mother in the kitchen। Simply हम बोल सकते हैं I helped my friend in the school, I helped my colleague in the office। Simple sentence है, सिर्फ verb की second form लगी हुई है। Next है I received the letter which you wrote to me। यहाँ पे दो वर्ब देख सकते हैं, एक है रिसीव्ड और दूसरा है रोट। तो दोनों ही वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब है बात हो रही है सिंपल पास्ट टेंस की। आई रिसीव्ड द लेटर विच यू रोट टू मी, मुझे वो लेटर मिला जो तुमने मेरे लिए लिखा था। आई रिसीव्ड द लेटर विच यू रोट टू मी। ओके, द नेक्स्ट वन, शी मेड अ फेस। अगर हम किसी अपनी फ्रेंड को बात बता रहे हैं, तो हमें बोलते हैं उसे अगर अच्छा नहीं लगे तो मैं कहूँगी उसने अपना फेस बना लिया। तो बोल सकते हैं शी मेड अ फेस। तो मेड से यहाँ पे पता चल गया पास्ट टेंस की बात हो रही है। आई ट्रैवल टू शिमला एंड कुल्लू एंड फाइनली रिटर्न टू दिल्ली। इसका मतलब हो गया कि मैंने
शिमला और कुल्लू में ट्रैवल किया और फाइनली मैं दिल्ली में वापस आ गई हूँ। तो इसको आप बोल सकते हैं आई ट्रैवल्ड, ट्रैवल्ड मतलब पास्ट की बात हो रही है, मैंने ट्रैवल किया या मैं ट्रैवल कर चुकी हूँ, तो वहाँ पे हम बोल देंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो है ट्रैवल्ड। हिज मूड वेंट लाइक अ समर स्टॉर्म, बहुत ही सुंदर सेंटेंस है, आप इसको कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं कि जैसे ही मैंने उसे बोला कि हम वहाँ घूमने जाएंगे, हिज मूड वेंट लाइक अ समर स्टॉर्म, वो एक गर्मी के तूफान की तरह उसका मूड चला गया। रखना है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसमें हमें सब्जेक्ट में बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, सिंगुलर है, प्लूरल है, हमें सिर्फ देखना है कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या होती है। तो इसके लिए हमें याद करनी पड़ेगी वर्ब की फॉर्म। तो कुछ कॉमन ऐसी वर्ब्स हैं जो हमें लर्न ही करनी पड़ेगी, आने वाले वीडियोज़ में हम उन वर्ब्स के बारे में बात करेंगे। तो बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस सिंपल पास्ट टेंस के। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसमें हमें नेगेटिव वर्ड देखने को मिले या नॉट देखने को मिले, तो वो हो जाते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। जब भी बात होती है सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमें ध्यान में रखना है ये स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज है एफर्मेटिव सेंटेंसेस से। देखते हैं क्या है इसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि हम अपने सिंपल प्रेजेंट टेंस में लगाते थे डज नॉट और डू नॉट, यहाँ पे सिंपल हमारा लगता है डिड नॉट। यहाँ पे हमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं करना है, प्लूरल है या फिर सिंगल है, प्रोनाउन है, नाउन है, यहाँ पे सिर्फ हमने लगाना है डिड नॉट। सब्जेक्ट डिड नॉट, लेकिन साथ में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी तक हमने जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस देखे, हमने उसमें देखा था हमने लगाई है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ही गेव मी, आई टोल्ड हिम। स्ट्रक्चर जो हमारा सिंपल नेगेटिव सेंटेंसेस का होता है सिंपल पास्ट टेंस में, वो होता है कुछ इस तरीके से। सब्जेक्ट, साथ में डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड नॉट। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने देखा था डज नॉट और डू नॉट होती है, लेकिन पास्ट टेंस में हम सिर्फ डिड नॉट का यूज़ करते हैं। इसके बाद लगती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अभी थोड़ी देर पहले हमने एफर्मेटिव सेंटेंस जब बनाए थे पास्ट टेंस के, तो हमने यूज़ करी थी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो यहीं पे जब हम कन्वर्सेशन करते हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं कि डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी या फिर डिड नॉट के साथ सेकेंड फॉर्म लगेगी। तो बिल्कुल ध्यान में रखना है डिड नॉट के साथ हमेशा आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो देखते हैं सेंटेंस से। ही डिड नॉट ऑफर अ सीट टू अस। ही did not offer seats to us. कल उसने हमें अपनी पार्टी में बुलाया और हमें सीट्स भी ऑफर नहीं की। तो बोला जा सकता है he did not offer seats to us. He called up in his party, but he did not offer seats to us. इसी तरीके से next, she did not tell a single word. कल मैं उससे बहुत दिनों बाद मिली और मैंने कोशिश करी उससे बात करने की, लेकिन She did not tell a single word. और उसने एक भी शब्द नहीं बोला। She did not tell a single word. Next, I did not attend yesterday's lecture. मैं कल का लेक्चर नहीं ले पाई या मैंने कल का लेक्चर नहीं लिया, तो सिंपल सेंटेंस बन जाएगा I did not attend yesterday's lecture. Next, he did not call me. देखो मैंने उसे बोला था कि जैसे ही घर पहुंच जाए मुझे कॉल करना, बट ही डिड नॉट कॉल मी। नेक्स्ट, दे डिड नॉट कम टू द पार्टी। मैंने उन्हें बहुत बार कॉल किया कि पार्टी में ज़रूर आना, बट दे डिड नॉट कम टू द पार्टी, वो पार्टी में नहीं आए। नेक्स्ट, ही डिड नॉट रीड माई मेल। मैंने उसे 5 दिन पहले ही मेल कर दिया है, लेकिन उसने अभी तक मेरा मेल नहीं पढ़ा। ही डिड नॉट रीड माई मेल। इसी तरीके से नेगेटिव सेंटेंस हम फ्रेम कर सकते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, लेकिन ध्यान रखना है कि हमें डिड नॉट के साथ हमेशा यूज़ करनी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंसेस पास्ट टेंस के होते हैं जहाँ पे हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें नेगेटिव सेंटेंसेस या फिर बात करें इंटरोगेटिव सेंटेंस, वहाँ पे हम करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सिंपल पास्ट टेंस के। सेंटेंस इन सिंपल पास्ट टेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सारे सेंटेंसेस जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं या फिर क्वेश्चन की बात हो रही हो, तो वो होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। आपको ध्यान में रखना है डिड और साथ ही में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल के साथ, डिड यू वाटर द प्लांट यस्टरडे।
कल मैं मार्केट चले गई थी और मैंने तुम्हें बोला था पानी डालने के लिए, क्या तुमने पानी डाला पौधों में? तो बोलेंगे डिड यू वाटर द प्लांट्स यस्टरडे, क्या तुमने पानी डाला पौधों में? डिड यू वाटर द प्लांट यस्टरडे? अभी देखिए यहाँ पे है डेड, इसीलिए हमने यहाँ पे वाटर मतलब हो गया पानी डालना पौधों में, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म ही लिखी है वाटर. डिड यू वाटर द प्लांट यस्टरडे? नेक्स्ट, डिड यू सी माई लास्ट वीडियो, क्या तुमने मेरा लास्ट वीडियो देखा? डिड यू सी माई लास्ट वीडियो? नेक्स्ट, डिड यू एक्सरसाइज, आजकल बहुत ठंड हो रही है, क्या तुमने कल एक्सरसाइज की? डिड यू एक्सरसाइज यस्टरडे, या फिर डिड यू एक्सरसाइज? डिड यू प्रैक्टिस लास्ट लेसन, टीचर अपने बच्चे को बोलेगी कि आज मैंने ये लेसन पढ़ा दिया है और आपको ये घर पे प्रैक्टिस करना है, तो दूसरे दिन वो जाके बोलेगी डिड यू प्रैक्टिस लास्ट लेसन, आई हैव टोल्ड यू टू लर्न. डिड यू प्रैक्टिस लास्ट लेसन? डिड यू प्रैक्टिस लास्ट लेसन? नेक्स्ट, डिड यू सी हिम इन द पार्टी, यार वो मुझे बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रहा है, कल तुम पार्टी में गई थी, क्या तुमने उसे देखा था? डिड यू सी हिम इन द पार्टी? डिड यू सी हिम इन द पार्टी? तो ये सेंटेंस हो गए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सिंपल पास्ट टेंस के. सिंपल आपको डिड लगाकर सेंटेंस फ्रेमिंग करनी है और साथ में लगा देना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. बहुत ईजी है इस तरीके के सेंटेंसेस को फ्रेम करना. लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया था, जब भी हम हेल्पिंग वर्ब आगे लगाकर सेंटेंस बनाते हैं, इसका मतलब है आंसर सिर्फ येस और नो में बन जाता है. लेकिन जब हमें आंसर देना है एलोबरेट करके, या फिर हमें कुछ डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर देना है, तो हमें यूज करने पड़ता है WH फैमिली की. तो अब देखते हैं WH फैमिली का क्या स्ट्रक्चर बनता है. तो अब बात करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस जब भी हम WH फैमिली से बनाते हैं, या फिर कह सकते हैं क्वेश्चन वर्ड से बनाते हैं. तो स्ट्रक्चर जो है वो रहता है कुछ इस तरीके का. सबसे पहले हम लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड, व्हाट, हु, वेयर, हाउ लॉन्ग. फाइन, तो ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे क्वेश्चन वर्ड्स. साथ में लग जाएगा डेड और साथ में लगेगा वर्ब, और उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और लास्ट में लग जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट. यहाँ पे भी डेड लग रहा है हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ पे भी लगेगी. सेंटेंस से समझते हैं. वेयर डिड यू मीट हर, तुम उससे कहाँ मिले? वेयर डिड यू मीट हर? नेक्स्ट, वेन डिड यू मेक दिस पिक्चर, ये पिक्चर तो बहुत सुंदर है, मैंने आज तक नहीं देखी. When did you make this picture? ये पिक्चर तुमने कब बनाई? Next, when did she buy a new house? कल मैंने क्या बनाया था? What did I cook yesterday? My tummy is upset. What did I cook yesterday? Next, how long did you stay in hotel? हम लोग अभी जयपुर का ट्रिप लगा के आए हैं, तो तुम कितने दिन वहाँ पे रुके होटल में? How long did you stay in hotel? How long did you stay in hotel? Next, how long did you take to learn English? How long did you take to learn English? Yeah, tumhari English to bahut achhi hai. Kitna time laga tumhe English seekhne mein? How long did you take to learn English? Isi tarike se koi bhi language hai, aapko puchna hai, to aap puch sakte hain. How long did you take to learn Japanese? How long did you take to learn French? तो ये सारे सिंपल सेंटेंस हैं जो कि हमने बनाए क्वेश्चन वर्ड से सिंपल पास्ट टेंस में. तो बहुत इजी है, स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रखिए, और ध्यान में ये रखिए कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. लेकिन जब भी हम बात करते हैं पास्ट टेंस की और हम बना रहे हैं एफर्मेटिव सेंटेंस, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म. सिंपल पास्ट टेंस में सिर्फ एक ही कॉन्ट्रैक्शन बनता है, जो कि बनता है नेगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट, और वो चेंज हो जाता है डिडंट. He didn't complete his work. He didn't write a letter. He didn't come to my home. तो easy है contraction को भी समझना simple past tense में. तो simple past tense के use specially तब किया जाता है जब हम अपने experience किसी के साथ share करते हैं, या फिर हम किसी को कोई story सुना रहे हैं. तो हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि हमें यूज़ करना है पास्ट टेंस का. पास्ट टेंस को करना बहुत ही ज़्यादा इजी है यूज़. तो ये सारे एग्जांपल हो गए सिंपल पास्ट टेंस के. हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस को अच्छी तरह से समझा. आई होप अब आप इनकी प्रैक्टिस अपनी डेली लाइफ में करेंगे. कोई भी आप ऐसा काम कर रहे हैं, या फिर आप किसी को कोई बात बता रहे हैं जो पहले ही आप कर चुके हैं, तो आप वहाँ पे यूज़ करेंगे पास्ट टेंस और कोशिश करेंगे कि आप अच्छे से अपना सेंटेंस फॉर्म कर पाए. मैंने आपको बार बार मैं आपको बोलती हूँ, सिर्फ इंग्लिश के ग्रामर रूल्स या फिर स्ट्रक्चर को समझ कर आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे. अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस करनी होगी बोलने की. अल्टीमेटली आपको इन टेंसेस को यूज़ करना होगा अपनी डेली या फिर डे टू डे
कन्वर्सेशन में। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोज प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।